हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टावर क्रेन के कंपोनेंट्स के बारे में। आज हम जानेंगे टावर क्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं और उनके काम क्या होते हैं। तो ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो दो पार्ट में होगा। सबसे पहले पार्ट में हम जानेंगे जितने भी टावर क्रेन के लार्ज कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में, और सेकेंड पार्ट में स्मॉल कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है फाउंडेशन एंकर। ये एक टावर क्रेन का कंपोनेंट है जिसकी हेल्प से टावर क्रेन को हम कंक्रीट फुटिंग में फिक्स करते हैं। यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं, जो येलो पार्ट है ये फाउंडेशन एंकर है। इसकी हेल्प से हम टावर क्रेन को कंक्रीट फुटिंग में फिक्स करते हैं, यानी इसका बेस तैयार करते हैं। नेक्स्ट है टावर क्रेन मास्ट। ये एक तरह का स्क्वायर सेक्शन है जिसका मेन काम होता है टावर क्रेन को हाइट देना, यानी ये मेन स्ट्रक्चर है। आप देख पा रहे हैं फिगर में, ये इस तरह का स्क्वायर सेक्शन में होता है। अभी मैं आपको ऊपर फिगर में दिखाता हूँ। ये आप जो वर्टिकल पोर्शन देख पा रहे हैं टावर क्रेन का, ये मास्ट से बना हुआ है जो कि एक स्क्वायर सेक्शन होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है टर्न टेबल। ये एक तरह का कंपोनेंट है जो कि मास्ट के ऊपर लगा होता है। अभी आपने देखा मास्ट क्या होता है, उसके ऊपर लगा होता है और ये क्रेन को रोटेट करने में हेल्प करता है। यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं इस तरह का होता है, यहाँ से क्रेन रोटेट करता है। नेक्स्ट है केबिन। केबिन के बारे में सबको पता होगा, इसमें ऑपरेटर बैठता है। ये एक तरह का ऑपरेटर का छोटा रूम होता है जहाँ से ऑपरेटर क्रेन को ऑपरेट करता है। काउंटर वेट, यह फिगर में देख पा रहे हैं जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ये काउंटर वेट होता है। इसका काम ये होता है कि जब भी हम क्रेन से लिफ्टिंग करते हैं तो जो लोड का वेट होता है उसको स्टेबलाइज करता है, उसको बैलेंस करता है। टावर पीक और एपेक्स, ये टावर क्रेन का सबसे ऊपर का भाग होता है, सबसे ऊपर का पार्ट होता है। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है जीभ। यह फिगर में देख पा रहे हैं जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है मेटल का, इसे हम जीभ बोलते हैं। इसको हम असेंबल करके टावर क्रेन का बूम बनाते हैं, जिसे हम आर्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट है रियर पेंडेंट। ये एक तरह का टाई होता है जो कि काउंटर वेट को सपोर्ट करता है टावर क्रेन के अपर पार्ट से। ये आप देख पा रहे हैं जो टावर क्रेन का अपर पार्ट है, इससे इसको बांधा हुआ है काउंटर वेट को, इसे सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है फोर पेंडेंट। ये भी एक तरह का टाई है जो कि आगे लगा होता है। ये टावर क्रेन के बूम को सपोर्ट करता है टावर क्रेन के अपर पार्ट से। लास्ट कंपोनेंट है हुक। हुक एक क्रेन का पार्ट है जिसे हम किसी भी लोड को ग्रैब करते हैं, पकड़ते हैं और उसको लिफ्ट करते हैं।